गुड मॉर्निंग दोस्तों। उसके बाद में जो कन्फर्म लॉबी मिलेगी उस लॉबी में जाके काम करना है। तो ट्रेनिंग तो भाई यहाँ से तो हो गई ट्रेनिंग कंप्लीट। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तभी निकलेंगे, 5:30 बजे की ट्रेन है ही। अनिल के लिए वॉशरूम कम पड़ते हो ना अनिल? कितने वॉशरूम चाहिए भाई, कितने वॉशरूम चाहिए? कम पड़ गया ना तुम्हारे लिए? अरे यार भाई, सब लोग तैयार हो गया। तो भाई हम तो पैक वैक करके लेके आ चुके हैं, बाकी लोग कहाँ रह गए बे? तो है ना, बस निकलने की तैयारी है। चाबी वाबी दे दो रूम की, जिस रूम में रुके थे। आगे से भाई आसनसोल स्टेशन। अबे साफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा यार? हाँ तो भाई हम तो पहुंच ही गए बस आसनसोल स्टेशन। अब यहाँ से ट्रेन है यार, पता नहीं इस ट्रेन का भी फिक्स नहीं है, अभी कोई से भी ट्रेन में जा सकता है ग्रुप। लेकिन रात को तो वही ट्रेन सर्च किया था कि यही से चलेंगे 5:30 बजे की। अब देखते हैं उसी से चले या किसी और ट्रेन से। कुछ लोग पीछे आ रहे हैं, बाकी लोग आगे गए यार। और देखिए आसनसोल स्टेशन, जब यहाँ से आसनसोल स्टेशन से जब हम यहाँ से वहाँ अपने स्कूल निकलते थे तो यहाँ अंदर से ही ना ऑटो वगैरह पे बैठने नहीं दिया जाता था। कहते थे कि या तो बाहर से बैठो, या वो जिन्होंने उन्होंने जो खुद ऑटो लगाए हैं कि इन ऑटो में बैठना है, इन गाड़ियों में बैठना है, उन्हीं में पर्सनली बैठ के जाओ, अदरवाइज वो बैठ के नहीं जाने देते थे। वो चमक रहा है आसनसोल जंक्शन। भाई मेरा हाथ थक गया यार, मोबाइल को डाल रहा हूँ अंदर। तो भाई हम तो स्टेशन पे आ गए, गाड़ी भी मिल गई, गाड़ी ऑलरेडी लगी हुई थी। गाड़ी का नाम है अग्निबीना, अग्निबीना एक्सप्रेस, 5:30 बजे वाली है। भाई यार गर्मी बहुत है यार, सुबह सुबह भी यार, जो लोग नहा के आए होंगे उनके साथ क्या हुआ भाई? मैं तो नहा के भी नहीं आया अभी सुबह। अनिल भाई तुम नहा के आए हो? नहीं, हावड़ा नहा जाएगा। हाँ यार हावड़ा नहाया जाएगा, रूम वगैरह लिया जाएगा, एसी वाला या नॉन एसी देखा जाएगा, वहाँ पर जाके बजट के हिसाब से देखा जाएगा। भाई सबका बैंक अकाउंट खाली होगा, सैलरी आई नहीं यार। तो ना जैसा करेंगे जैसा देख लेंगे यार, हैंडल करेंगे, वैसे भी पैसा बहुत खर्च हो चुका है। तो अभी निकल रहे हैं, ये चलने वाली है। टाइम कितना हो गया? 5:15 हुई है, 15 मिनट बाद में चलेगी गाड़ी, चलती है तब निकलते हैं यार। वैसे भी 11 बजे तक हावड़ा ओपन हो, हावड़ा का जो DRM ओपन हो जाता है, तो 11 बजे तक रिपोर्ट कर ही देंगे। जब तक हमारा रिजल्ट वगैरह नहीं आता और लोग भी नहीं मिलते, तब तक हमको वहीं पे रहना पड़ेगा। बाकी लोग अपने अपनी सीट पे बैठ चुके हैं यार। हमारे पास देखो सामान, 2 लड़कों का सामान, 4 बैग नहीं है, 5 है। तो चलते हैं फिर हावड़ा जाके, नाश्ता वगैरह किया जाएगा। नाश्ता कौन करेगा, खाना ही खाएगा यार। पीछे मालगाड़ी भी है यार। एक गाड़ी और आ रही है, देखो वो, देखो डबल वाला माल गाड़ी है इसका मतलब। तो है ना चलो चलते हैं। तो अगर ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, हम तो निकल लिए हावड़ा के लिए। ये ट्रेन पहुँचाएगी कम से कम यही कोई 10 बजे के समथिंग है। नहीं 10 तो बजे नहीं, अरे ट्रेन कितने बजे पहुँचाएगी? 9-10 बजे ना? 9 बजे 9 बजे ट्रेन पहुँचा देगी भाई।
9 बजे पहुंचकर खाना वाना खाकर आराम से DRM में जाएंगे, DRM ऑफिस में जाके वहां पर रिपोर्ट कर लेंगे। तो भाई हम पहुंच गए हावड़ा स्टेशन। ये हमारे राहुल भैया, थोड़े बूढ़े आदमी है, चला नहीं जाता इनसे। भाई तो आ गए हावड़ा स्टेशन, बाकी लोग आगे आगे पीछे घूम रहे हैं। भाई हावड़ा स्टेशन ही एक ऐसा स्टेशन है शायद इंडिया का, शायद नहीं कंफर्म है, कि जिसपे 23 प्लेटफॉर्म है यार। अबे कौन धक्का दे रहा है पीछे से? भाई ये हमारे आनंद भैया है। ये हमारे आनंद भैया है। हाँ हाँ, इसको देखो, एक चुसा हुआ आम। भाई तो हम चले पहले रूम लेंगे, फिर बाद में DRM। पहले रूम लेंगे, फिर नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे DRM ऑफिस। 5 बजे थोड़ी जाना है, 5 बजे थोड़ी जाना है, आराम करेगा। 5 बजे जाना है कहाँ पे? DRM ऑफिस नहीं, अभी 10-11 तो 11 बजे ओपन हो जाएगा ना, तो पहले रूम लेके खाना खा के फिर निकलेंगे DRM ना। हाँ तो भाई बाद में निकलेंगे DRM, अभी तो निकल रहे हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, यही कि हाँ 23 प्लेटफॉर्म है सबसे ज़्यादा इंडिया में। अरे ये गाड़ी अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे आई है। ये छोटू दीपक भाई वायरल हो गया यार। और ये हमारे प्रदीप भैया, देखा था एक दिन कन्वर्सेशन हुआ था ट्रेन के अंदर बैठे बैठे, क्या शायरियाँ फेंकी थी इन्होंने। दीपक भाई एक शायरी होते आता ही नहीं है इसको, लक्कन जूस मक्की जूस आदमी। दीपक नींद में तू? वो मेट्रो का है क्या? ये मेट्रो का थोड़ी है। अच्छा यही मेट्रो का है क्या? भाई हावड़ा में मेट्रो का और स्टार्ट हो गया, पता नहीं अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन काम तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था जब हम पहली बार आए थे तब से ही। तो भाई हाथ में देखो दर्द हो रहा है, एक हाथ में ये है, एक आगे बैग लटका हुआ है, पीछे बैग लटका हुआ है। तो भाई मैं थक गया यार सच्ची में, अभी चला ही नहीं। बस स्टैंड है और इस ये वे टू हावड़ा रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2। ये जो अंदर वाला ये है इसके अंदर से निकलेंगे, इसके अंदर नीचे अंदर बहुत मार्केट लगता है, मतलब बहुत सारे सामान दिखाता है यहाँ पे, तो सामान देख लीजिए। देख ले बहुत सारी चीज़ें मिलती है भाई, फल फ्रूट बैग कपड़े बोतल चश्मा सब्जी अंगूर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती है यार इसके अंदर, मतलब बहुत लोगों का धंधा चलता है यार। और सर्दियों में तो फिर भी ठीक है, लेकिन गर्मियों में तो यार मतलब यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है यार, हमसे ही नहीं चला जाता तो यहाँ पे लोग बैठकर काम कैसे कर लेते। अलग अलग टर्मिनल है यहाँ पे, अलग अलग रास्ते हैं जाने के लिए। ये सीधा स्टेशन नंबर 2 के पास जाएगा। गाइज ये है DRM ऑफिस, उसका मेन तो मुँह वो भी है, लेकिन यहाँ से निकलेंगे हम तो, क्योंकि बाकी लड़के यहीं से निकल गए, यहीं से सीधे सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे हमारा काम होगा, तो इसलिए इसी रास्ते से निकलते हैं। तो अंदर का तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा, इसलिए यहीं का देख लीजिए, ये रेड कलर की पूरी बिल्डिंग है, यहीं से मेट्रो का स्टेशन का काम भी चालू है, मतलब मेट्रो का। और देखो काम DRM की ऊपर की बिल्डिंग से हावड़ा का नज़ारा लो भाई। ये देखो यार गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है यार,
ये रेलवे स्टेशन का है, बाकी वो प्लेटफॉर्म है सारे उस तरफ हावड़ा की पूरी। ये हावड़ा ब्रिज है, वो हुगली रिवर है भाई, गजब का नज़ारा है ना। भूख लगने लग गई ना जी भाई ना। चलो चाय कहाँ गई, अबे खींच भी गया, ठंडी चाय थी क्या? हवा तेज चल रहा ना, बारिश हो रही है ना, बारिश होने वाली है यार। तो गाइज हम आ चुके हैं रूम के ऊपर वापस, सारे के सारे आ चुके हैं क्योंकि साइन वगैरह हो गया और जो लॉबी के लिए जो कागज़ देना था वो कागज़ दे दिया हमने, अटेंडेंस प्रेजेंट कर दी वहाँ पे, और जो साइन वगैरह नाम करके लिखना था ना वो कर दिया। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर।